बिहार की स्वर कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कल यानी कि मंगलवार की रात आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनका परिवार इस टाइम पर काफ़ी परेशान है। लोक गायक और बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर दिल्ली से इंडिगो विमान के जरिए पटना पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि पटना में ही उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शारदा सिन्हा के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा ऐलान किया। सीएम नीतीश ने ऐलान किया कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा, क्योंकि उनके छठ गीतों ने जिस तरीके से महिलाओं को इंस्पायर किया, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने एक खास पहचान बनाई। और यही वजह है कि नीतीश कुमार उनके निधन से काफ़ी टूट गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। शारदा सिन्हा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें बिहार की स्वर कोकिला ऐसे ही नहीं कहा जाता था। शारदा सिन्हा को कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। शारदा सिन्हा ने भी बॉलीवुड में कई ऐसे गाने गाए। वहीं उनके निधन के बाद मनोज तिवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी आखिरी फोटो को शेयर किया। मनोज तिवारी शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन करने के लिए एम्स पहुंचे थे, जहां से उन्होंने इस फोटो को शेयर किया। हम आपको ये फोटो सीधे तौर पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये फोटो दिल तोड़ने वाली है। छठी मैया और भक्ति संगीत के जरिए भोजपुरी की मिठास को देश दुनिया में पहुंचाने वाली बड़ी बहन शारदा जी दीदी के अंतिम दर्शन आज एम्स में किए। दीदी शारदा का निधन भोजपुरी जगत और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मनोज तिवारी का ये जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में जो शारदा सिन्हा है वो आखिरी बार नजर आ रही है। निधन के बाद उनका बेटा जो है अंशुमान अपनी माँ को आखिरी बार निहार रहा है। माहौल काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि आखिरी बार शारदा सिन्हा को देखते हुए हर कोई उन्हें नमाकों से श्रद्धांजलि दे रहा है। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पटना में रखा जाएगा। गुरुवार को शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। मंगलवार की रात तकरीबन 10 बजे शारदा सिन्हा का निधन हो गया था। शारदा सिन्हा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है।